हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी तो कैसे हैं आप सब लोग खैरियत से हैं खुशवाश हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि लेक्चर्स का सिलसिला एक बार फिर से शुरू किया जाए तो आज से हम चैप्टर नंबर थ्री का वो सिलसिला जो कि कुछ अर्सा पहले रुक गया था उसको दोबारा से री कर रहे हैं और यहाँ से हम चैप्टर नंबर थ्री को लेकर चलेंगे और फिर इन अब की बार हम पूरा जो सिलेबस है उसको मुकम्मल करके ही सांस लेंगे यहाँ मैं चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम मोशन एंड फोर्स है इसका हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आपको दूंगा और फिर हम अगले जो टॉपिक्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाएंगे तो हमारा हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है कि भाई ये मोशंस क्या है वट डू यू मीन बाई मोशन और फोर्स से क्या मतलब है तो भाई इससे पहले कि हम प्रॉपर जो फार्मल डेफिनेशन है मोशन की उसकी तरफ चलते हैं हम थोड़ा सा कुछ और बातों को भी डिस्कस कर लेते हैं भाई हम एक ऐसी यूनिवर्स का हिस्सा हैं जो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है जी हाँ कॉन्टीन्यूसली ना सिर्फ कि इसके अंदर चीज़ें मूव कर रही हैं जैसे कि सोलर सिस्टम्स हैं पता नहीं कितने के ज़्यादा सोलर सिस्टम्स हैं फिर गैलेक्सीज हैं ब्लैक होल्स हैं एस्ट्रायड मिट्रॉड्स हैं और इसके साथ साथ ना सिर्फ कि ये सिस्टम ये चीज़ें जिनके मैंने नाम लिए ये मूव कर रही हैं बल्कि यूनिवर्स इट्स सेल्फ ख़ुद कायनात जो है वो चारों तरफ से फैल रही है और ये कभी ना ख़त्म होने वाला जो एक सिलसिला है ये जारी और सारी है कायनात चूँकि मैटर से बनी है और मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर बनता है और एटम्स जो है वो भी कभी ना ख़त्म होने वाली जो मोशन है उसमें इन्वॉल्व हैं तो इन एवरी पीस ऑफ मैटर द एटम्स आर इन अ स्टेट ऑफ नेवर एंडिंग मोशन अब अर्थ की बात की जाए तो अर्थ भी तो मूव करती है हम जिस धरती माँ का हिस्सा हैं जिस प्लानट के ऊपर हम रहते हैं वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है हम ज़मीन के ऊपर चल रहे होते हैं जबकि ज़मीन किसी और चीज़ के इर्द गिर्द मूव कर रही है ज़मीन की जो मोशन है ये दो तरह की है ज़मीन स्पिन करे तो दिन और रात बनते हैं ज़मीन अपने सन के इर्द गिर्द अपना एक रेवोल्यूशन कम्प्लीट करे तो साल बनते हैं और याद रखें कि तीन सौ पैंसठ दफ़ा थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी टाइम्स सिक्सटी फाइव टाइम्स जब अर्थ स्पिन करती है अपने ही एक्सिस पे तो सूरज के इर्द गिर्द उसका एक चक्कर मुकम्मल होता है और उस एक चक्कर को हम साल कहते हैं हम जिस सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं वो सोलर सिस्टम और हम जिस गैलेक्सी का हिस्सा हैं जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं ये भी रेस्ट पे नहीं है बल्कि ये पूरा का पूरा सिस्टम और पूरी की पूरी गैलेक्सी इस यूनिवर्स में मूव कर रहे हैं एक किनारे से एक जगह से दूसरी जगह की तरफ अच्छा अब इस कायनात में फैली हर चीज़ एवरी थिंग इन दॉनेस ऑफ स्पेस इज़ इन अ स्टेट ऑफ़ परपीचुअल मोशन इस कायनात में पड़ी हर चीज़ जो है इस कायनात की वसत में पड़ी हर चीज़ वो गैलेक्सीज़ हों वो सोलर सिस्टम हों वो प्लानट्स हों ब्लैक होल्स हों वो परपीचुअल मोशन में इस स्टेट ऑफ परपीचुअल मोशन में जो है वो हम वक्त एक ऐसी मोशन में इन्वॉल्व हैं जो चारियों सारी है कब ख़त्म हो कोई नहीं जानता तो ये तो थी हमारे इर्द गिर्द यूनिवर्स के अंदर होने वाली मोशनस की कुछ बात अब इससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि भाई जितने भी फिज़िकल प्रोसेस हैं उनमें किसी न किस्म की मोशन जो है वो ज़रूर हो रही है तो इसका मतलब है कि मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी कायनात में हमारे सोलर सिस्टम में हमारे प्लानट पे हमारी दुनिया में हर चीज़ जो है उसमें किसी न किसी किस्म की मोशन ज़रूर है तो फिर इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो क्यों ना भाई इसको इसकी जो ड्यू अटेंशन है वो दी जाए और इसको पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए तो फिर इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि सबसे पहले हमें पता तो चले कि मोशन है क्या फिर उसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे फिर उसके लॉज़ के ऊपर बात करेंगे फिर और बेशुमार चीज़ें जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं उनके ऊपर बात करेंगे अब आते हैं हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पर इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाई अगर कोई चीज़ अपने इर्द गिर्द किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को मसलसल चेंज कर रही है तो हम कहेंगे कि भाई ये मोशन में है दिस इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन इसकी डेफिनेशन पर क्या हुई कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एक ऑब्जर्वर है उसके लिहाज से एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजिशन को मुसलसल चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि भाई इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ मोशन जैसे अगर आप यहाँ इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो ये जो पेंडुलम है वो इस तरफ मूव कर रहा है और इसके इस तरफ मूव करने की वजह ये ये वाले जो बॉल्स हैं ये भी आगे मूव करेंगे और फिर ये लेफ्ट से राइट right, राइट right से लेफ़्ट अगर मूव कर रहे हैं और कोई ऑब्जर्वर देख रहा है इनको तो हम कहेंगे कि भाई दिस दिस सिस्टम इज इन इज़ इन मोशन बिकॉज इन दिस सिस्टम एवरी बॉल इज चेंजिंग इट्स पोजिशन अगर एग्ज़ाम्पल्स की अगर मोशन की कुछ और एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो भाई दरिया में समंदर में चलती हुई कश्ती का मूव करना सड़क पे चलती हुई गाड़ी का मूव करना और झूले में बच्चों का झूलना जो है ये मोशन की एग्ज़ाम्पल्स हैं ये वो मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं जो बहुत कॉमन हैं जो कि आप अपने इर्द गिर्द देखते रहते हैं अब हम बात करेंगे रेस्ट की कि भाई रेस्ट से क्या मुराद है अब रेस्ट जो है वो मोशन का अपोजिट है मोशन में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह को चेंज करता है एक ऑब्जर्वर के लिहाज से जबकि यहाँ क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा होगा किसके लिहाज से फिर दोबारा उसी ऑब्जर्वर के लिहाज से तो फिर हम यहाँ कहेंगे कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज डज़ नॉट चेंज इट्स पोजिशन अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर तो हम कहेंगे कि इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट आप देख सकते हैं हमारे अधिक जो बिल्डिंग्स हैं ये मूव नहीं करती रोड्स मूव नहीं करते जहाँ हम शाम को छोड़ के जाते हैं सुबह भी उधर ही होती हैं दरख्त मूव नहीं करते जहाँ हम जिस पार्क में दरख्त होते हैं वो उसी पार्क में रहते हैं किसी दूसरी पार्क में नहीं चले जाते ठीक है अच्छा एक यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि रेस्ट और मोशन के साथ जुड़ी हुई है मैं मुख्तसरन उसका जिक्र करता चला जाऊँ मैं चाहता हूँ कि ये हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन ही रहे इसमें डिटेल में हम जाएंगे लेकिन अगले लेक्चर्स में कि भाई जो रेस्ट और मोशन है ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जो रेलेटिव हैं जी हाँ रेलेटिव क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब ये है कि भाई देखें अगर एक गाड़ी है और उस गाड़ी में दो तीन चार लोग बैठे हुए हैं और वो गाड़ी चल रही है रेस्ट पे नहीं है, चल रही है मान लीजिए कि वो और राइट से लेफ़्ट की तरफ़ जा रही है तो गाड़ी में बैठे तमाम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं लेकिन एक पैसेंजर के लिहाज से दूसरा और दूसरे पैसेंजर के लिहाज से तीसरा जो है वो रेस्ट पे हैं क्योंकि वो गाड़ी के अंदर का जो केबन है उसमें तो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे तो वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पे हैं जबकि गाड़ी से बाहर खड़ा एक शख्स जो है वो देख रहा है और कह रहा है कि ये नहीं ये तो गाड़ी मूव कर रही है तो गाड़ी मूव कर रही है तो गाड़ी के अंदर बैठे लोग भी मूव कर रहे हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशन कुछ और है जबकि गाड़ी के अंदर बैठे हुआ वाला जो ऑब्जर्वर है उसकी ऑब्जर्वेशन कुछ और है तो एक ही चीज़ के लिए दो मुख्तफ लोगों की ऑब्जर्वेशन का मुख्तलिफ होना इस कंडीशन को इस चीज़ को इस कैफियत को हम रिलेटिवनेस कहते हैं तो इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई स्टेट ऑफ रेस्ट है और जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है वो रिलेटिव होती है एक ही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट पे हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मूव कर रहा हो सकता है दैट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन की रिलेटिवनेस। अब आते हैं इस चैप्टर के दूसरे हिस्से की तरफ अभी हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं अभी हम इसके लॉज और इसकी जो डिटेल हैं उनके ऊपर बाद में चलेंगे तो भाई दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि भाई ये फोर्स क्या है वट यू मीन बाोर्स फोर्स का क्या मतलब है तो भाई फोर्स एक एक ऐसे एजेंट को कहते हैं जो किसी चीज़ की पोजीशन को या तो चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है मान लीजिए कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसको मूव करता है या मूव करवाने की कोशिश करता है और इसी तरह अगर कोई चीज़ ऑलरेडी मूव कर रही है तो फोर्स एक ऐसी चीज़ का नाम है जो उसको रोकती है या रोकने की कोशिश करती है इसीलिए स्टेट को मैंने ब्रैकेट किया है दो चीज़ों के साथ रेस्ट और मोशन सो फोर्स इज़ एन एजेंट विथ चेंजेस और टेंस टू चेंज द स्टेट और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और स्टेट का मतलब है दो चीज़ें एक है रेस्ट और दूसरी है मोशन इसी तरह जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जी हाँ वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होती है लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड और इसका जो एस आई यूनिट है एस SI आई जो इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक वो है न्यूटन और इसका सिंबल है कैपिटल एन इसी तरह जो वन न्यूटन है वन न्यूटन बराबर होता है वन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके जो डायमेंशनज हैं वो होती हैं एम एल टी माइनस टू सो ये था एक हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने चैप्टर नंबर थ्री जिसके नाम के ऊपर बात की है अभी सिर्फ कि भई मोशन का क्या मतलब है और फोर्स का क्या मतलब है इसी तरह ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा और अब हम अगले लेक्चर में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जी हाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है एल्फा साइंस अकेडमी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा गुड बाय